दुनिया पहले कोरोना वायरस की पहली लहर से परेशान हुई, फिर दूसरी और अब तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इसी बीच ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने भी भारत में तूल पकड़ लिया। इन तमाम चीजों से देश के डॉक्टर और मरीज पहले ही जूझ रहे थे कि अब एक नए प्रकार की बीमारी सामने आई है। मानो भगवान ने ठान ली हो कि दुनिया को खत्म ही कर देना है। इस नई बीमारी का नाम है व्हाइट फंगस। कोरोना महामारी के बीच बिहार में अब व्हाइट फंगस के मामले मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि व्हाइट फंगस में भी कोरोना की तरह ही फेफड़े संक्रमित होते हैं। वहीं शरीर के दूसरे अंग जैसे नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट्स और मुंह के अंदर भी संक्रमण फैल सकता है। पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर एसएन सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 4 मरीजों को कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे थे, लेकिन उनको कोरोना नहीं था। उनके सभी टेस्ट नेगेटिव थे। टेस्ट कराने पर इस बात का खुलासा हुआ कि वो व्हाइट फंगस से संक्रमित थे। हालांकि राहत की बात यह है कि एंटी फंगल दवा लेने से ये 4 मरीज ठीक हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक व्हाइट फंगस से भी फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। HRCT कराने पर कोरोना जैसे ही संक्रमण दिखाई देता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर HRCT में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो व्हाइट फंगस का पता लगाने के लिए बलगम कल्चर की जांच जरूरी है। उन्होंने बताया कि व्हाइट फंगस का रीजन भी ब्लैक फंगस की तरह ही इम्यूनिटी कम होना है। ये भी उन्हीं लोगों में पाया जाता है या उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक एस्टेरॉयड की दवाएं ले रहे हैं। एक और बड़ा कारण ये है कि जिस समय उनको ऑक्सीजन दिया जाता है उस समय ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिस नली से ऑक्सीजन जा रहा है वो बिल्कुल